नमस्कार अमरीजनो, आप देख रहे हैं स्टडी पाठशाला। आपसी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के अनऑफिशियल कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। ध्यान दीजिएगा, इसको शॉर्ट में बोलते हैं BBAU। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश के कैपिटल लखनऊ में। एक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वो कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, तो ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, दिमाग में बैठा लेना। थोड़ा सा ये रिजर्व यूनिवर्सिटीज में आता है। यहाँ पे 50% सीटें जो होती है वो रिजर्व होती है शेड्यूल कास्ट के लिए। यहाँ पे कोर्सेज भी लगभग 50 से ज्यादा कोर्सेज हैं। 50 MA के कोर्सेज यानी PG के जो कोर्सेज हैं वो 50 से ज्यादा ही हैं। बहुत सारे बच्चों का जो ड्रीम है टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का, यानी BHU, JNU, HCU, अब वहां पे उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए, एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, तो भीड़ भाड़ से दूर BBAU में ट्राई कर सकते हो। बहुत कम नंबर पर एडमिशन होता है। आप एविडेंस अभी दिखाऊंगा ना, शॉक्ड हो जाओगे, कहोगे अरे भाई ये क्या हो रहा है। मैं आपको एक वीडियो दिया था ना, 40 नंबर पर एडमिशन होगा, 40 छोड़ो, 15 नंबर पर एडमिशन होगा, 29 नंबर पर एडमिशन होगा, 21 नंबर पर एडमिशन होगा, आप देखना अभी। और मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि आपको चेक कैसे करना है। ठीक है, तो मैं तो यहाँ पे पहले कोर्सेज लिखा था, पूरा प्रॉपर वे में कोर्सेज लिखा था, तो वो सब पूरा कोर्स लिखा हुआ है। लेकिन फिर मुझे लगा ना कि कोर्स वाइज कट ऑफ बनाने में हालत खराब हो जाएगा, क्योंकि अप्रोक्स कट ऑफ बहुत लो है। तो ऐसे में, क्योंकि देखो कट ऑफ बनाने के लिए ना, ऐसा नहीं है कि मैं अंधेरे में तीर मार देता हूँ। मेरे को बनाने के लिए बड़ा मेहनत करना पड़ता है, टॉपर्स का मार्क्स देखना पड़ता है, फिर लास्ट ईयर का कट ऑफ देखना पड़ता है, फिर उसका परसेंटेज देख के फिर 300 में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर टॉपर्स के मार्क्स के अकॉर्डिंग सेट करना पड़ता है। बहुत कठिन काम है, इतना आसान मत समझना, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रहा है। तो इसलिए मैंने एक जनरलाइज बनाया एमए इकोनॉमिक्स का 2024 के लिए। जो मैंने यहाँ पे एक सेटिंग करके रखी है वो रखी है कि जनरल के लिए जो बच्चा भी 120 से 60 के बीच में आ रहा है वो यहाँ फॉर्म डाल सकता है। ओबीसी में 100 से 150 बीच में, ईडब्ल्यूएस भी सेम इसी मार्क्स बीच में आया, तब एससी 40 नंबर से ज्यादा हो तब, और एसटी 20 से 30 नंबर हो तो यहाँ पे वो फॉर्म डाल सकता है। और लगभग हर कोर्स में इसी तरीके से ज्यादा आता है। तो मैं कॉमन कट ऑफ बता रहा हूँ, जो कि आप लोग इस कट ऑफ को देखने के बाद BBAU में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अच्छा हाँ, कोई ऐसा बच्चा है जो घर बैठे रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, अपना काउंसलिंग कराना चाहते, डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है लिखा होगा काउंसलिंग वाला, आप वहां पे कॉल करके, उस नंबर पे कॉल करके घर बैठे अपनी काउंसलिंग करा सकते हो। एक्सपर्ट टीम है, ठीक है, जो साइबर के पास जाके आप फिलअप कराते हो अपने गांव में, अपने कस्बे में, अपने कॉलोनी में, वो बेसिकली BHU के स्टूडेंट्स आपका फिलअप कर देंगे। जो पैसा आप वहां देते हो पैसा आप इनको ऑनलाइन कर दोगे। ठीक है, तो जो मैं कॉमन कट ऑफ की बात कर रहा था वो कुछ इस तरीके से है कि आप किसी भी कोर्स में आते हो, अभी बताऊंगा कि किस कोर्स में अप डाउन होगा, किसी भी कोर्स में आते हो 50 से ज्यादा है, जनरल कैटेगरी से आते हो तो आप लोग ये ट्राई कर सकते हो। ठीक है, 40 से ज्यादा हो, ठीक है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी दोनों के लिए ध्यान देना। ठीक है, तो आप लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हो। उसी तरीके से एससी 30 से ज्यादा हो तब, और एसटी 20 से ज्यादा हो तो। लेकिन ये कुछ कोर्सेज में अप भी हो सकता है। ऑलमोस्ट इन मार्क्स पे आने वाले बच्चे जो हैं वो BBAU में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, एडमिशन की पॉसिबिलिटीज रहेगी। अब देखो मामला कहाँ बिगड़ेगा, एक्चुअली जब हम लोग वीडियोज बनाते हैं यूट्यूब पे तो एक अवेयरनेस वीडियो हो जाता है, बच्चे जागरूक हो जाते हैं। तो ऐसे में अब 2 साल पीछे जाके देखें तो मुझे भी इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी नहीं थी, आज मुझे इस यूनिवर्सिटी का कट ऑफ पता है। अब इस वीडियो के माध्यम से बहुत से लोग पता चल जाएगा कि BBAU में 50 से 60 नंबर में एडमिशन होता है तो बच्चा अप्लाई करेगा। तो आप ये समझना कि 100 से 120 मतलब 120 से 100 जनरल कैटेगरी हो तो उनको अगर एडमिशन पॉसिबिलिटीज बाकी जगहों पे नहीं मिल रहा है तो वो BBAU जरूर ट्राई कर सकते हैं। बाकी ऑलमोस्ट 50 तक के जितने बच्चे हैं वो ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक एविडेंस के तौर पे एक डिटेलिंग देखते हैं। ये 2023 का यहाँ का ऑफिशियल कट ऑफ है। BBAU का एक अच्छी आदत ये है, ये लोग जो आपका रिजल्ट देते हैं वो बाय द नेम देते हैं। देखो यहाँ पे इन्होंने नंबर लिखा है और यहाँ पे कोर्स लिखा है और यहाँ पे स्टूडेंट का नाम, फादर नेम, जेंडर, कैटेगरी। ठीक है, कितना अच्छा है कि ये लोग अपने लिस्ट में इतनी सारी चीजें ऑफिशियल पोर्टल पे अपलोड कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। ठीक है,
अब हम लोग मार्क्स अगर देखें पहले नंबर पे, तो पहला तो बहुत ज्यादा से स्टार्ट हो रहा है, यानी 400 में 232 लाने वाला लड़का भी बीबीएयू में गया है। आप सोचोगे सर ये तो बहुत ज्यादा है, तो ये तो टॉपर है ना भाई। बीबीएयू में ऐसा थोड़ी कहीं लिखा है कि जिनका कम मार्क्स होगा वही जाएगा, बहुत, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, फैसिलिटी मिलनी ही है, प्रोफेसर तो क्वालिफाइड ही है। तो ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका ड्रीम होगा कि हम बीबीएयू में पढ़ेंगे, और ये वो बच्चे हैं जिनका 230, 222, 221, 218, 218, 216, 215, 214, 214, ये पूरे मार्क्स हैं उनके। लेकिन हम लोग अगर यही कट ऑफ इधर हटा दें और ये कट ऑफ हम लोग इधर ले आए, तो आप देखोगे कि भाई क्या बात है, ये इतना कम हो जा रहा है। 51 नंबर, 51 नंबर, 79 नंबर, 76 नंबर, 13 नंबर, 13, 17, 25। कैटेगरी इनका देखते हैं, कैटेगरी एसटी, एसटी, एससी। एक जनरल का देखते हैं जो सबसे कम पे गया हो, ठीक है, जनरल, जनरल 40, 40 जनरल एडमिशन, ठीक है। और जनरल देख लेते हैं हम लोग, जनरल 52, 52 जनरल, ठीक है। और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, अच्छा ओबीसी भी एक देख लेते हैं, ओबीसी, ओबीसी 55, ओबीसी स्टूडेंट है ये, ठीक है। और भी देख लेते हैं, एक तो ओबीसी देख लेते हैं, ओबीसी 76, ये 76 है ओबीसी। तो कहने का मतलब ये है, आपको करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जो कि डायरेक्टली इनके लास्ट ईयर के इसी लिस्ट पे जाएगा। आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग डाउनलोड करो अपने मोबाइल में, और वहां पे आप देखो अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग डायरेक्टली लिंक एकदम ओपन हो जाएगा। आप क्लिक करो, आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, बहुत आसान मैंने कर दिया। आप वहां पे ओपन करो और उसके बाद अपना मार्क्स देखो, 300 में, वो 400 में लिखा होगा उसको कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। और कन्वर्ट करने के बाद मतलब उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना कि वो 400 में कितना परसेंट है, और उसी को आप 300 में कैलकुलेट कर लेना। और फिर उसके बाद आप देखो कि कितने नंबर पे लास्ट ईयर एडमिशन हुआ है, उसी में 5-10 नंबर अप डाउन करके अपना अंदाजा लगा सकते हो, और वो लोग फॉर्म डाल देना, ठीक है। तो मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस ऑफिशियल लिस्ट के बेसिस पे अंदाजा लगा पाए होंगे कि ऑलमोस्ट जो मैं डिस्कस किया यहाँ पे, कि ये जो बच्चे हैं इतने नंबर वाले बीबीएयू में ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी यूनिवर्सिटीज की जब आएगी रजिस्ट्रेशन पोर्टल, जब आएगा कट ऑफ आएगा, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। मुस्कुराते रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और बहुत जल्द आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस जाने वाले हैं। हर हर महादेव, बहुत सारी शुभकामनाएं।